आज सबसे ज्यादा जरूरत लोगों को जॉब की है, तो जॉब के प्रति हम बच्चों को जागरूक करते हैं, इंटरव्यू स्किल कैसे इम्प्रूव करें अपनी, ठीक है, इंटरव्यू में कैसे जाएं, कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें, और जॉब हासिल करने के लिए जो उसको नॉलेज चाहिए वो सारी नॉलेज हम अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हमारा जॉब का जो रेशियो है, प्लेसमेंट का रेशियो है, वो सबसे अच्छा है, 100% ही कह सकते हैं। बिल्कुल, जो बच्चा जॉब करना चाहता है उसको आज यहाँ पर जॉब मिली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। अभी जो लास्ट वीडियो हमने दिखाया था कि बाल फुलवारी स्कूल में डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज आए, वो काफी कुछ उनके बारे में बताया और बच्चों को मेमोरी को लेकर बहुत सी बातें बताई। अभी हम बीएचडी इंस्टीट्यूट पे हैं और मेरे पीछे आप जैसा जानते हैं बीएचडी इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आज काफी स्कूलों के बच्चे आए हैं टेस्ट देने के लिए, ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए। किस प्रकार से ऑनलाइन टेस्ट होता है और किस प्रकार से क्या कुछ यहाँ पे चलता है, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे जो HKCL कंप्यूटर कोर्स हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के थ्रू यहाँ पे आज कंप्यूटर के ऊपर जो ऑनलाइन टेस्ट कहा जाता है, बच्चों को बहुत फोबिया होता है कि भाई ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाए पता नहीं होता, पांचवीं से लेके बारहवीं तक के बच्चे आज यहाँ टेस्ट दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कॉलेज वॉलेज कैरियर की भर्ती और सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी और टेस्ट के माध्यम से बच्चों को पता चलेगा कि आगे जाके सरकारी नौकरी के लिए भी जो टेस्ट दिए जाएंगे वो ऑनलाइन होते हैं और वो आज बीएचडी में सिखाए जाएंगे किस प्रकार से आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो टेस्ट करवा रहे हैं पारस जी, वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस टेस्ट को लेके, किस प्रकार से अरेंजमेंट किया गया है, कितने बच्चे और क्या कुछ उन बच्चों को प्रॉफिट होगा। तो सर नमस्कार। नमस्ते सर, बहुत बढ़िया। तो आपने भी कैप डाल रखी आज हरियाणा? हाँ जी बिल्कुल, हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड हरियाणा सरकार का एक कंप्यूटर शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और कंप्यूटर कोर्स सिखाने के लिए एक संस्थान है, और आज यहाँ पर हरियाणा टैलेंट सर्च से संबंधित एक एग्ज़ाम है जिसमें पांचवी क्लास से लेकर के बारहवीं क्लास तक, फिफ्थ टू ट्वेल्थ, बच्चे से लेकर बड़े बच्चे सभी तक, सभी उनको हिंदी का, इंग्लिश का, जीके का, मैथ और साइंस और सोशल स्टडी, इनसे रिलेटेड एक पूरे हरियाणा लेवल पे एक जो परीक्षा ऑनलाइन ऑर्गेनाइज की जा रही है, और उसके लिए अलग अलग स्कूल्स के बच्चे आज हमारे पास यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए हैं। जो वो पढ़ते हैं उसी से संबंधित इस टेस्ट में सिलेबस आया हुआ है। जी बिल्कुल, एक तो क्या है कि महेंद्रगढ़ में जैसे प्रतिभा बहुत है, लेकिन उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए अपने आप का, अपना मूल्यांकन करने के लिए। जी, तो ये परीक्षा उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी कि किस प्रकार से वो अपने आपको मतलब निखार पाए, अपनी जो अपने मतलब टैलेंट को सर्च कर पाए कि वो कितने कितनी चीज़ें उनको आती है, कितनी चीज़ों में उनको अच्छा कर सकते हैं और कितनी चीज़ों में और उनका अच्छा करने की संभावनाएं गुंजाइश। पहला टैलेंट तो यही है कि वो ऑनलाइन टेस्ट देंगे आज। हाँ, बहुत से बच्चों में ये देखा गया कि ना एक ऑनलाइन का फोबिया होता है और बहुत से बच्चे तो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पर बैठ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑनलाइन एग्जाम कैसे होते हैं, कैसे उसमें रोल नंबर सबमिट किए जाते हैं, कैसे उसमें फिर अपनी इन्फॉर्मेशन फीड करके और कितनी देर में और कैसे क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं, तो बच्चों के लिए एक अच्छा अनुभव है। मतलब जो बारहवीं के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्जाम देना होता है उसकी प्रैक्टिस आप आज से शुरू करें। बिल्कुल, देखो आगे आगे तो सारे एग्जाम ही ऑनलाइन हो रहे हैं, अगर सिर्फ प्लस टू तक की जो परीक्षाएं हैं उनको छोड़ दिए जाए तो सारे एग्जाम ऑनलाइन होने लग गए, और आगे आगे हो सकता है कि ये जो प्लस टू तक की जो परीक्षाएं ये भी ऑनलाइन ही होने की संभावना लग रही है, तो ऐसे में बच्चों को ऑनलाइन के प्रति जागरूक करना एक बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही उत्सुकता से एग्जाम दे रहे हैं। देख रहे थे आपने बड़ी एलईडी चला रखी है बच्चों। हाँ, बच्चों के लिए यहाँ पर एक मतलब हमने जीके से संबंधित कुछ वीडियोज हैं वो दिखा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। इसमें जैसे बीएचडी में बच्चे आ रहे स्कूल से, तो इसमें बीएचडी क्या कहीं से स्पॉन्सर्ड है या क्या चीज है बीएचडी फ्री? देखो हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक तरीके से एक मतलब सरकारी संस्थान है जो कंप्यूटर के प्रति लोगों को जागरूक करती है पूरे हरियाणा प्रदेश में। महेंद्रगढ़ में बीएचडी इंस्टीट्यूट उनका एक ऑथराइज इंस्टीट्यूट है, और बीएचडी इंस्टीट्यूट से इस ये जो एक प्रक्रिया चल रही है हरियाणा टैलेंट सर्च, इसके लिए एक एग्जाम सेंटर है, ऑथराइज एग्जाम सेंटर है, तो विभिन्न स्कूल्स के बच्चे यहाँ पर आकर के एग्जाम दे रहे हैं। उन्होंने फॉर्म फिल किया था और बीएचडी उसमें सेंटर था। जी बिल्कुल। ये फॉर्म कब फिल होते हैं और ये एग्जाम कितने साल में या कितने बार एक साल में होता है? लगभग हर साल HKCL इस टाइप का मतलब इवेंट मतलब करते रहते हैं, बीच में भी करते रहते हैं, तो अभी अक्टूबर नवंबर में इन्होंने मतलब स्टार्टिंग करी थी और अभी उनके एग्जाम है और दो तीन दिन बाद इनके रिजल्ट आ जाएंगे, और इसमें HKCL 2 लाख से ज्यादा रुपीज के इनाम जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे बांटने जा रही है। जो बच्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
पोजीशन हासिल करेगा, स्टेट लेवल पे हासिल करेगा, उससे अच्छा इनाम। हाँ जी, वो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चा आएगा हरियाणा लेवल, मतलब पूरे स्टेट लेवल पे भी और मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, उन बच्चों को एच के सेल द्वारा सम्मानित किया जाएगा, मतलब नगद राशि देकर। लगभग कितने नंबर का ये टेस्ट हो रहा है? ये टेस्ट है 80 नंबर का। 80 नंबर, हाँ जी। और कितनी देर का है? एक घंटे का टेस्ट जी। तो इसके अलावा बीएचडी और क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है लोगों को आज? देखो, एजुकेशन के मामले में बीएचडी हर वो चीज प्रोवाइड कर रहा है जो बच्चे के विकास के लिए आवश्यक है। हम यहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन के साथ साथ प्लेसमेंट भी करवाते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों तक का एक पूरा पैकेज बना रखा है कि बच्चे जो आज सबसे ज्यादा जरूरत लोगों को जॉब की है, तो जॉब के प्रति हम बच्चों को जागरूक करते हैं। इंटरव्यू स्किल कैसे इंप्रूव करें अपनी, ठीक है, इंटरव्यू में कैसे जाएं, कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें, और जॉब हासिल करने के लिए जो उसको नॉलेज चाहिए वो सारी नॉलेज हम अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हमारा जॉब का जो रेशियो है, प्लेसमेंट का रेशियो है, वो सबसे अच्छा है। 100% ही कह सकते हैं। बिल्कुल, जो बच्चा जॉब करना चाहता है उसको आज यहाँ पर जॉब मिली है। अच्छा, आप रिसेंटली अभी भी हमारे पास जो बच्चे हमारे पास अभी रिसेंटली कोर्स कर रहे थे, ऐसे 10 से ज्यादा बच्चे हमारे पास बराबर वाली लैब में जॉब कर रहे हैं, जो हमारे पास फोटो एडिटिंग का काम कर रहे हैं। और ऐसे ही हमारे पास अभी मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला हुआ है, हमें 10 से 15 बच्चों को नाइट शिफ्ट के लिए और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि काम थोड़ा ज्यादा है, तो ज्यादा रिकवरी करने के लिए बच्चों की पढ़ने के लिए और नौकरी पाओ। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा लाइब्रेरी की बातें चल रही थी, लाइब्रेरी बड़ी शानदार बनाई है। हाँ, लाइब्रेरी हमारी बिल्कुल एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ लाइब्रेरी शुरू की गई है। अगर आप देखोगे उसमें एक छोटी से छोटी चीजों का, लाइटिंग इफेक्ट का, साउंड इफेक्ट का, हर चीजों का ध्यान रखते हुए हमने लाइब्रेरी बनाई, एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी। ऐसी लाइब्रेरी, ऐसी सुविधा महेंद्रगढ़ में आपको कहीं और नहीं मिलेगी, और बिल्कुल एक रीजनेबल रेट में। ये लाइट का, साउंड का जो इफेक्ट होता है, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि बच्चा पढ़ता है तो उस समय यही काम देता है। देखो, लाइट का इफेक्ट ये पड़ता है, लाइट का एक पैमाना लक्स मीटर होता है, तो लक्स मीटर के अकॉर्डिंग 300 से 500 की लाइट कम से कम बच्चे की टेबल पे होनी चाहिए। अगर उससे कम लाइट होती है तो बच्चे की आंखें जल्दी दुखती हैं, उसके चश्मे जल्दी चढ़ते हैं। घरों में नॉर्मली हम जब पढ़ते हैं तो लगभग 100-150 की लाइट होती है, और बच्चा उसमें देखने को तो कंफर्टेबल पढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसकी आंखों पे जोर पड़ रहा होता है। तो हमने उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, इसलिए यहाँ पर बच्चा 6-7 घंटे भी उसकी सीटिंग इजीली हो जाती है, जो घर में बच्चा 3 घंटे नहीं पढ़ सकता, यहाँ 6-7 घंटे पढ़ता है। और आज सभी स्कूल के बच्चों को फ्री नया टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार अच्छे काम कर रहे हैं बीएचडी। हाँ बिल्कुल, हम 15 साल से इसमें मतलब लगातार काम कर ही रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने देखा, सर ने बताया कि लाइब्रेरी है, आज विभिन्न स्कूलों के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, उनको यहाँ पे मुफ्त में टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लैपटॉप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो यहाँ टेस्ट देंगे ऑनलाइन और बहुत कुछ सीखेंगे। लाइब्रेरी की वीडियोस भी इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, और बच्चे जो यहाँ विभिन्न स्कूलों से आए हैं उनसे बातचीत करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे टेस्ट भी दे रहे हैं, टेस्ट के बाद हम इनसे बातचीत करेंगे और क्या कुछ इनका एक्सपीरियंस रहता है वो भी आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहें इंडियन न्यूज़। यहाँ बच्चों ने एग्जाम दिया है, वो बात इनसे पूछेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा बीएचडी का, और उनके अध्यापक यहाँ साथ हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या कुछ यहाँ बीएचडी में आने के बाद उनको लगा कि हाँ बच्चे कंप्यूटर पे बहुत कुछ यहाँ कर रहे हैं, क्या वो सच्चाई है। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार सर, कौन से स्कूल से आए हैं? सर हम बीजेआरडी स्कूल से आए हैं। बीजेआरडी, हाँ जी स्कूल। अच्छा, तो यहाँ आए कैसा लगा? यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा सर, ये बीएसडी कोचिंग से वो कंप्यूटर सेंटर है, ये जो हरियाणा सरकार की तरफ से एक कंप्यूटर का टेस्ट था, यहाँ हम देने के लिए अपने बच्चों के साथ आए थे, और जैसे ही हम आए तो यहाँ का जो मैनेजमेंट है उन्होंने हमें अच्छे से कोऑपरेट किया। हम आए उससे पहले बच्चे काफ़ी स्कूलों के आ चुके थे और वो अपना एग्जाम जो है वो दे रहे थे, तो इन्होंने हमें वेटिंग रूम में बिठाया, वेटिंग रूम इनका बहुत अच्छा था, और वहाँ पर एजुकेशन से संबंधित वीडियो वगैरह बच्चों को दिखाए जा रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा सर यहाँ पे आके। 12th के बाद अगर बच्चे यहाँ कंप्यूटर कोर्स के लिए आए तो कैसा लगा आपको, फिर आपने विजिट भी किया होगा? सर कंप्यूटर एक आने वाले एजुकेशन के लिए एक डिमांड है, तो हम यही कहेंगे कि कंप्यूटर अगर बच्चों को सीखना है, कंप्यूटर से संबंधित कोई शिक्षा लेनी है, तो बीएसडी कंप्यूटर सेंटर दी बेस्ट सर। जी हो गया एग्जाम? यस। क्या नाम आपका? खुशी। खुशी, खुशी नहीं हुई एग्जाम देके आपको? हुई। कितने क्वेश्चन किए? सारे किए थे। सारे किए? कितने सही होंगे? 44। तो ये बता रहे इसमें इनाम भी मिलेगा? हाँ मिलेगा। तो कौन सा इनाम आपको मिलेगा, कौन सी पोजीशन आएगी? पता नहीं है मेरे को। अच्छा, कैसा लगा यहाँ बीएचडी में? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा,
तो माउस वगैरह से काम कर रहे थे। हाँ। डिस्प्ले अच्छी थी। यस सर। तो पहले कभी टेस्ट दिया ऐसा ऑनलाइन? फर्स्ट टाइम दिया। फर्स्ट टाइम दिया, कैसा लगा फर्स्ट टाइम ऑनलाइन? बहुत अच्छा। अच्छा लगा, तो अच्छा सेंटर है कंप्यूटर के लिए। आपका क्या नाम है? अंशिका यादव सर। तो बीजीआरडी से ही आप? हाँ जी सर। कौन से क्लास में पढ़े? 12th क्लास में सर। तो इससे पहले कभी ऑनलाइन टेस्ट दिया था? नहीं सर, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है। कैसा लगा, पूरा अटेम्प्ट हुआ? हाँ जी पूरा अच्छे से अटेम्प्ट हो गया और अच्छे क्वेश्चंस थे एजुकेशन से रिलेटेड और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था इसको। अच्छा, ये बताते हैं आपने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए? मोस्टली क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड थे, बाकी जनरल नॉलेज जो मतलब होती है उससे रिलेटेड भी अच्छे क्वेश्चंस थे। एटमॉस्फेयर कैसा है यहाँ का? अच्छा एटमॉस्फेयर है, अगर बच्चे चाहे मतलब आफ्टर 12th भी अगर यहाँ पे आके सेंटर से कोचिंग वगैरह लेना चाहे तो अच्छा सेंटर है। हाँ जी सर, बढ़िया लगा। अच्छा लगा सर, बताया कि बहुत अच्छा लगा। इधर भी देख सकते हैं बच्चे टेस्ट दे ही रहे हैं। जी इनका चल रहा है, आपका हो गया क्या? यस सर। कितने क्वेश्चन कर दिए सर? सारे सही होंगे? यस सर। इनाम मिलेगा पक्का? यस सर। कैसे लगा बीएचडी सर? एक नंबर, सही, मैनेजमेंट अच्छा है और क्वेश्चन वैसे सब अच्छे जो पढ़ाया है उसी से बता रहे सिलेबस से क्वेश्चन आ रहे हैं? यस सर, मोस्टली उससे रिलेटेड है, बाकी जनरल नॉलेज और वैसे कंप्यूटर रिलेटेड। तो पहली बार टेस्ट दिया कंप्यूटर पे या कैसे? यस सर, फर्स्ट टाइम। कैसा लगा? अच्छा, अच्छा है बीएचडी? यस सर। तो बीएचडी में पहली बार लगभग बच्चों ने टेस्ट दिया है और यहाँ पे बहुत सी अच्छी सुविधाएं मिली, बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस बढ़ाया। जो यहाँ पे अध्यापक साथ आए उन्होंने भी बताया कि जो वेटिंग हॉल था वो भी बहुत अच्छा था। बीएचडी बढ़िया सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहा है, बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और जॉब लेके जाते हैं। तो कैसी लगी वीडियो, बच्चों के एक्सपीरियंस वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और लगातार इस प्रकार की खबरों के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।